जीएसटी चोरी करने वालों की अब खैर नहीं। जी हाँ, सरकार जीएसटी चोरी मामले में सख्ती और बढ़ाने जा रही है। बजट में जीएसटी से जुड़े प्रस्तावित कानून के मुताबिक अगर किसी व्यापारी को जीएसटी चोरी मामले में समन या नोटिस मिलता है तो आयुक्त उसे बैंक खाते और प्रॉपर्टी को सील कर सकेंगे। फिलहाल किसी व्यापारी के बैंक खाते और प्रॉपर्टी को तभी सील किया जाता है जब जीएसटी चोरी का मामला साबित हो जाता है। जीएसटी चोरी मामले में जीएसटी एक्ट की धारा 83 के तहत नोटिस या समन दिया जाता है। 1 फरवरी को पेश बजट में जीएसटी चोरी पर सख्ती के लिए नियमों को बदलाव का प्रस्ताव रखा गया था। मिली जानकारी के अनुसार मार्च आखिर तक केंद्र सरकार की ओर से इन बदलावों को अधिसूचित किया जा सकता है। राज्यों की ओर से अपने अपने स्तर पर अधिसूचित करना होगा। विशेषज्ञों के मुताबिक जून जुलाई तक ये प्रस्तावित कानून लागू हो जाएगा। प्रस्तावित कानून में ईवी बिल में हेराफेरी और वस्तुओं के आवागमन पर पूरा नियंत्रण रखने के लिए बदलाव किए गए हैं। ईवी बिल में हेराफेरी या नियमों का पालन नहीं करने वालों पर जुर्माने और चुनौती देने के लिए अपील में जाने के लिए बदलाव का प्रस्ताव है। अपील में जाने के लिए जुर्माने की राशि 25% पहले जमा कराना होगा। सामान्य ये राशि 10% होती थी। प्रस्तावित कानून में निर्यात के नाम पर इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी ITC के गड़बड़ झाले को रोकने के लिए भी ये उपाय किए जा रहे हैं। अभी निर्यात अपना टैक्स लगाकर निर्यात कर देते हैं और अब ये टैक्स उन्हें कस्टम से रिफंड के रूप में मिल जाता है। प्रस्तावित नियम में कहा गया है कि सरकार बताएगी किन किन वस्तुओं के निर्यात में टैक्स लगाकर निर्यात किया जा सकता है और किन में नहीं। इसे लेकर वित्त मंत्रालय की तरफ से सूची जारी की जाएगी। पिछले साल भर में जीएसटी चोरी के मामले में सरकार की सख्ती बढ़ती जा रही है। रोजाना फर्जी बिलिंग और निर्यात के इनपुट टैक्स क्रेडिट चोरी जैसे मामले पकड़ में आ रहे हैं। इन मामलों में सख्ती से जीएसटी कलेक्शन बढ़ाने में मदद मिली है।